इस वक्त क्रूज ड्रग्स केस में दो बड़ी खबरें। पहली खबर शाहरुख खान के ड्राइवर से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर आर्यन खान के साथ पकड़े गए अरबाज मर्चेंट से जुड़ी हुई है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बड़ा बयान आया है। समीर वानखेड़े ने बताया है कि शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ हुई और यह पूछताछ अभी चल रही है, जबकि दूसरी तरफ एनसीबी ने अब से थोड़ी देर पहले खार वेस्ट से शिवराज रामदास नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ऐसा बताया जा रहा है कि शिवराज रामदास ही वो शख्स था जो अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई किया करता था। इस पूरे मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर एसआरकेस ड्राइवर, नथिंग रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन, एनीथिंग इफ एनीथिंग इंपॉर्टेंट इज देयर वी विल। सर विल यू बी अलाउड टू लीव? सर क्या वो अभी भी मौजूद है अंदर? आई कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन दैट। क्या खत्री को कल मंडी को बुलाया फिर से समन किया? वी हैव इन्वेस्ट, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग हिम, नथिंग मोर अगेन सर। सो मोर अरेस्ट लाइकली इन दिस केस? इफ एनीथिंग इज देयर वी विल लेट यू नो। यस्टरडे आल्सो वी हैव इंटरसेप्टेड वन इंपॉर्टेंट लिंक इन द केस एंड वी विल शेयर द डिटेल विद यू। सर आज किसी को अरेस्ट किया? बताएंगे आपको थोड़ी देर में। थैंक यू, थैंक यू सर। एनसीबी एक तरफ तेजी से कार्रवाई कर रही है लेकिन दूसरी तरफ ड्रग्स केस में पॉलिटिक्स का डेडली मिक्स हो चुका है। आज एनसीबी के नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान केस को लेकर कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। एनसीबी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाब मलिक का आरोप है कि शाहरुख खान का बेटा फंसा नहीं, उसे फंसाया गया है। यह भी आरोप है कि आर्यन खान को फंसाने के लिए 3 लोगों को छोड़ दिया गया। इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी पॉलिटिक्स है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ना वो 8 लोग थे ना 10 लोग, ये 11 लोग थे। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। माया नगरी के डी यानी ड्रग्स केस में पी यानी पॉलिटिक्स का डेडली कॉकटेल मिक्स हो गया है। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? महाराष्ट्र के एक मंत्री खुद इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन निकाली, ऑडियो सुनाया, वीडियो दिखाया, तस्वीरें दिखाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, एनसीबी की कार्यवाही को ही फर्जीवाड़ा बता डाला। ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। बदले में एनसीबी की टीम भी कैमरे पर आई, नवाब मलिक के 3 लोगों को छोड़ने वाली थ्योरी का सच देश को बताया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया ड्रग्स केस में क्रूज पर हुई रेड में 11 लोगों को डिटेन किया गया था, जबकि एनसीबी ने फैक्ट बताया 11 नहीं 14 डिटेन हुए थे, 3 नहीं 6 लोग छोड़े गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया, डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया, ये 3 लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस में उस दिन लाया गया था, सभी को धारा 67 के अंतर्गत नोटिस इशू किया गया, सभी को थॉरली एग्जामिनेशन किया गया और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। इस सारी प्रक्रिया के बाद उन 14 व्यक्तियों में से 8 के खिलाफ सबूतों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 लोगों को सबूतों के अभाव में छोड़ा गया। ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं, सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं।
ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता ड्रग्स केस को पूरी तरह पॉलिटिकल ट्विस्ट देने में जुट गए हैं। सीधे सीधे बीजेपी और एनसीबी की सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। एनसीबी के टॉप इन्वेस्टिगेटर समीर वानखेड़े को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उन पर लगातार पॉलिटिकल बयानों से सियासी अटैक किया जा रहा है। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। अगर ड्रग्स और पॉलिटिक्स का ये डेडली कॉकटेल जितना कैमरे पर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा जहरीला है। अब तो न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों के लिए भी माहौल बनाया जाने लगा है। साजिश वाली थ्योरी क्वाइन की जा रही है। आर्यन को फंसाया गया, ऐसे मैसेजेस भी फैलाए जा रहे हैं। आर्यन खान के पोजीशन से कुछ नहीं मिला। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था कि अगला निशाना शाहरुख खान है। प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं। उन्हीं लोगों ने इसको लाया था और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई। सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। मुंबई एनसीबी द्वारा ड्रग पार्टी रेड पर महाराष्ट्र में जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल एनसीपी ने इस पूरे रेड को फर्जी बताया है। एनसीपी ने आरोप लगाया है कि इस रेड में जिन पंचों को लाया गया था वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ लोगों को बिना जांच के छोड़ दिया गया, वो बीजेपी नेताओं के संबंधी हैं। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साफ कहना है कि उनकी सारी कार्रवाई कानून के तहत की गई है। ट्रैप बिछाया, निर्दोषों को फंसाया, नवाब मलिक के आरोपों में कितना दम है ये तो अदालत में साबित हो जाएगा। मगर आज आपको ये समझना जरूरी है कि कैसे क्रूज पर मिले ड्रग्स केस को एनसीपी की तरफ से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। शुरुआत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई जहां महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक कैमरे पर आए और ऑडियो वीडियो पिक्चर्स के आधार पर कुछ नामों का जिक्र किया। जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो, इस तरह की बात करना ये गलत है। केंद्र और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं के दबाव में उनके कहने पे तीनों को छोड़ा गया। तीन लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा, तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन तीन नामों का जिक्र किया उसमें एक नाम ऋषभ सचदेवा नाम के शख्स का है। तस्वीरों और वीडियोस की मदद से नवाब मलिक ने पहले इस शख्स का बीजेपी कनेक्शन ढूंढा और फिर लाइव कैमरे के सामने उन तस्वीरों और वीडियोस को टेलीकास्ट किया। ऐसा करके ये साबित करने की कोशिश की कि एनसीबी पहले ऋषभ सचदेवा और बाकी दो को अपने दफ्तर के अंदर ले जाती है और कुछ देर बाद में उन्हें छोड़ देती है। नवाब मलिक का आरोप है कि ये सब कुछ बीजेपी के नेताओं के कहने पर हुआ। जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाबा ये जा रहे हैं। ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनके ये साले साहब हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारतीय, देखिए, ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं, साले बहनोई का फोटो साथ में है और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा जिसे डिटेन किया गया और दो घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, जो दो लोग हैं प्रतीक गाभा
आमिर फर्नीचर वाला, जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन दो लोगों के बुलावे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। ये बात सही है कि ऋषभ सचदेवा नाम का शख्स बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष का रिश्तेदार है, लेकिन क्या सिर्फ रिश्तेदार होने से लगाए गए आरोप सही साबित हो जाते हैं? नवाब मलिक के इन्हीं आरोपों की पड़ताल करते हमने उस शख्स को ढूंढ निकाला, यानी ऋषभ सचदेवा का बहनोई। उसने जो कुछ भी कैमरे पर कहा उससे यही लगता है कि इस पूरे मामले में लगाए जा रहे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। कि ऐसा है ना, एनसीबी ने उनको पकड़ा था ना, ऐसा कुछ घटना हुई। आज क्रूज के ऊपर जब 1300-1700 लोग की पार्टी थी, वो लाइन के अंदर जो बोर्डिंग करने के लिए सब लगे हुए थे, वहाँ पर एनसीबी वाले सबको चेक कर रहे थे। जब उन्होंने आर्यन खान को डिटेन किया, उसके साथ लाइन में जितने थोड़े लोग आगे पीछे थे, सबको इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने एनसीबी ऑफिस लेके गए। एनसीबी ऑफिस ले जाने के बाद जब उनको लगा कि इनका आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं है, इनका ड्रग पेडलिंग या ड्रग सेवन में इन सभी लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने तीन आदमी नहीं, उन्होंने ऐसे मेरी न्यूज़ के साथ 10-17 लोग थे, सबको वहां से जाने दिया, सब लोग अपने घर चले गए। जिस समय रेड पड़ी थी 2 तारीख की रात को, ये जब घटना हुई थी, तो क्या इसके बारे में आपसे जो है ऋषभ ने इसके बारे में कोई चर्चा की थी कि एनसीबी के लोगों ने इस तरीके की रेड किया है, उनसे पूछा? 100% एक दिन बाद उसका मेरे को फोन आया कि ऐसे 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 घटना हुई थी और ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे, वहां पर जब आर्यन की न्यूज चल रही थी उसने मुझे बताया वहां पर ये था, मैं भी था, ऐसे ऐसे घटना हुई, मुझे भी गया, बाद में निकल गया बाहर, एक नॉर्मल कोर्स का था। ऐसे बहुत से इंसिडेंट रोज आदमी की जिंदगी में होते हैं, जब आदमी गुनहगार हो सच्चा होता है तो उससे बाहर निकलता है, गुनहगार होता है तो फंसता है, वो सच्चा था इस चीज से बाहर निकल गया, गुनहगार होता तो उसको सजा मिलती। और आज जिस हिसाब से नवाब मलिक धमकी दे रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस की और मेरे को दूसरी धमकियां देना चाह रहे हैं, मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ, मेरे साला, सब लोग कोई धमकी से डरते नहीं हैं। आप पूरी जांच करा लो, कोई भी केस रजिस्टर करा लो, ब्लड टेस्ट सबका करा लो, किसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक आरोप क्रूज केस के चश्मदीदों को लेकर भी लगाया गया है और कहा गया है कि एनसीबी ने प्री प्लान्ड साजिश के तहत अपने चश्मदीद सेट कर दिए थे। अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग एड्रेस को लेकर भी एनसीबी को घेरने की कोशिश की गई, मगर एनसीबी ने इस पर भी अपनी सफाई दी है। एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस, वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूं, एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है, पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली दो में एक में है और गोसावी दो में पंचनामे पे दस्तखत करता है, दो अलग अलग एड्रेस लिखवाता है और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फोन पर फोनो देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा है। यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो दो पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है, इसी वजह से वो दो अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का नाम आने के बाद एक तरफ एनसीबी हर रोज एक के बाद एक नए और सनसनीखेज खुलासे कर रही है, आज शाहरुख खान के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई है, एक एक डिटेल ली गई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नेता इसमें अपना सियासी फायदा देख रहे हैं, जानबूझकर एनसीबी को घसीट रहे हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एनसीबी के खिलाफ लगाए गए
सारे आरोप निराधार हैं और प्रीजुडिस्ड हैं। जो भी स्टेटमेंट हैं वो अजम्पशन के आधार पर दिए गए हैं। इस बीच अब नवाब मलिक पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरे सोच विचार के साथ एनसीबी के खिलाफ एक स्क्रिप्ट रेडी की और उसे अपने मन मुताबिक कैमरे के सामने प्रेजेंट कर दिया। इसमें एक एंगल नवाब मलिक के दामाद समीर खान का भी है, जिसे एनसीबी ने ड्रग्स मामले में ही गिरफ्तार किया था और उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रेजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया, इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है। उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे। बीजेपी ने एनसीपी पर पलटवार किया है और कहा है कि नवाब मलिक के दामाद को कुछ महीनों पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, यही वजह है कि नवाब मलिक एनसीबी पर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासों पर खुलासे हो रहे हैं, मगर इतना तो तय है कि ड्रग्स और पॉलिटिक्स के कॉकटेल ने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा डेडली बना दिया है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में भूकंप आना तय है। उधर तालिबान में आजकल भारत के सबसे बड़े दुश्मन की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। भारत का यह सबसे बड़ा दुश्मन था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर कई बड़े हमले किए थे, भारत में लूटपाट की थी और सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया था। इसी महमूद गजनवी को आजकल तालिबान अपना रोल मॉडल मान रहा है। कौन है ये तालिबान नेता जिसने महमूद गजनवी की तारीफ की है? आखिर महमूद गजनवी की सोमनाथ से क्या दुश्मनी थी? क्यों महमूद गजनवी ने बार बार भारत पर हमले किए थे? क्या है सोमनाथ की ये पूरी कहानी, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एक 1025 ईस्वी का समय, सोमनाथ मंदिर में दुश्मन घुस आया। गर्भगृह से पहले सोमनाथ मंदिर का रत्न मंडप था। रत्न मंडप में सिर्फ 3 लोग घुसे। पहला, हरी पगड़ी पर पन्ना रत्न लगाया हुआ महमूद गजनवी। दूसरा, प्रसिद्ध अरबी विद्वान और इतिहासकार अल बरूनी, जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। और तीसरा, अमीर महमूद गजनवी का सेनापति फतेह मोहम्मद। उस वक्त सोमनाथ मंदिर के पुजारी रहे गंग सर्वज्ञ ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अंतिम आरती की। महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुसा। पुजारी ने आरती का थाल नीचे रखा। पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को दंडवत प्रणाम किया और फिर सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग से जाकर लिपट गया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के पुजारी से कहा, बुजुर्ग तुम दूर हटो, मैं महमूद गजनवी बुत शिकन हूं, मूर्ति भंजक हूं, मेरा काम मूर्तियों को तोड़ना है। पुजारी ने ज्योतिर्लिंग नहीं छोड़ा और अपना सिर ज्योतिर्लिंग के ऊपर रख दिया। महमूद गजनवी ने ज्योतिर्लिंग पर तलवार से प्रहार किया। पुजारी के खून से ज्योतिर्लिंग लाल हो गया। ये प्रसिद्ध किताब जय सोमनाथ का अंश है, जिसे लिखा था शिक्षाविद कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जो साल 1952 में पंडित नेहरू की कैबिनेट में कृषि मंत्री थे। वही महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसी महमूद गजनवी के कसीदे पढ़े हैं अनस हक्कानी ने, जो तालिबान सरकार में अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई है। अनस हक्कानी ने महमूद गजनवी के मकबरे का दौरा किया और फिर ट्वीट किया, हमारे प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा और 10वीं सदी के मुजाहिद महमूद गजनवी के मकबरे का दौरा किया। महमूद गजनवी पर कृपा बनी रहे, जिन्होंने पूरे इलाके में जबरदस्त इस्लामिक शासन लागू किया और सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा। ये आज का सोमनाथ मंदिर है। ये वो सोमनाथ मंदिर है जिसे साल 1948 में सरदार पटेल ने बनवाया था। और ये वो पुराने सोमनाथ मंदिर का खंडहर है जिसे विदेशी हमलावरों ने सैकड़ों बार तोड़ा और यहां की अकूत संपदा को लूट लिया। आज से करीब 1000 साल पहले
साल 1025 में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो महमूद गजनवी के साथ इतिहासकार अल बरूनी मौजूद था। अपनी प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद में अल बरूनी लिखता है, सोमनाथ मंदिर किले की तरह था जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। जब समुद्र से ज्वार भाटा उठता था तो ऐसा लगता था कि जैसे समुद्र की लहरें ऊंची उठकर सोमनाथ की आराधना कर रही हों। इस सोमनाथ मंदिर में एक शिवलिंग था जो विशेष रूप से व्यापारियों और नाविकों के लिए बहुत पूजनीय था। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस की घटना का जिक्र इतिहास की तमाम किताबों में मिलता है। ये किताबें महमूद गजनवी के समय में भी लिखी गई और महमूद गजनवी के समय से 100-200 साल बाद भी लिखी गई। सोमनाथ के विध्वंस का जिक्र फारसी और अरबी भाषा के ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा संस्कृत भाषा के ग्रंथों, शिलालेखों और ताम्र पत्रों में भी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग के तोड़े जाने का वर्णन मिलता है। अगर फारसी और अरबी ग्रंथों की बात करें तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूखी सिस्तानी ने अपनी किताब कसीदा में सोमनाथ के विध्वंस का वर्णन किया है और इसके लिए महमूद गजनवी की शान में कसीदे पढ़े हैं। महमूद गजनवी के एक और दरबारी विद्वान मोहम्मद अल उल्बी की किताब तारीखे यामिनी में भी सोमनाथ मंदिर तोड़े जाने का वर्णन है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए इतिहासकार अल बरूनी की किताब किताबुल हिंद में सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर हमले का जिक्र है। इसके अलावा 11वीं सदी में लिखी गई अबुल फजल बहाइकी की किताब तारीखे बहाइकी और 11वीं सदी में लिखी गई गार्देजी की किताब जैन अल अकबर में भी सोमनाथ मंदिर के तोड़े जाने का इतिहास लिखा गया है। अगर संस्कृत के ग्रंथों की बात करें तो राजा भीमदेव सोलंकी के शासन में लिखे संस्कृत के ताम्रपत्रों, 6 सैंधव ताम्रपत्रों, सौराष्ट्र के सोधावी क्षेत्र में मिले प्राचीन शिलालेखों और 2 प्राचीन ग्रंथों कदम्ब कुल और देवपत्तन प्रशस्ति में भी सोमनाथ मंदिर के विध्वंस का जिक्र मिलता है। महमूद गजनवी ने सिर्फ सोमनाथ का ही मंदिर नहीं तोड़ा था। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से चलने वाली महमूद गजनवी की सेना ने 1001 ईस्वी में हिंदू राजा जयपाल की राजधानी पेशावर पर हमला किया और वहां सैकड़ों मंदिर तोड़े। 1005 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब के सरगोधा पर हमला किया और वहां मंदिरों को तोड़ डाला। 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर हमला कर सैकड़ों मंदिरों को तोड़कर करोड़ों की दौलत लूट ली। 1008 ईस्वी के करीब महमूद गजनवी ने पंजाब के बठिंडा पर हमला करके सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर हमला कर हिंदुओं के पवित्र तीर्थस्थलों को बर्बाद कर दिया। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा पर हमला करके सैकड़ों विशाल और भव्य मंदिर गिरवा दिए। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर हमला किया और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कृष्ण की नगरी मथुरा भी महमूद गजनवी की धर्मांधता से बच नहीं पाई। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार अल उल्बी ने अपनी किताब तारीखे यामिनी में लिखा है, महमूद गजनवी ने मथुरा में एक बहुत महान और बहुत बड़ा मंदिर गिरा दिया। मथुरा हिंदुओं का बहुत धनी और संपन्न शहर था। यहाँ जैसी भव्य इमारतें कहीं नहीं थी। महमूद गजनवी ने यहाँ विशुद्ध सोने की मूर्तियां लूट ली। कई दिनों तक मथुरा जलता रहा। महमूद गजनवी ने अपने पूरे जीवन काल में हजारों मंदिर तोड़े थे, लेकिन सवाल ये है कि महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों, लेखकों और इतिहासकारों ने उसकी सोमनाथ विजय का सबसे ज्यादा वर्णन क्यों किया। इस सवाल का जवाब इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखिका रोमिला थापर की किताब सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री में मिलता है। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूखी सिस्तानी ने लिखा है कि सोमनाथ को फारसी भाषा में सोमनाथ या सुमनात कहा जाता है। ये देवी मनात की तरफ संकेत करता है। इस देवी मनात को पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता में सौंदर्य और युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता था। बाद में अरब में इसे एक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। ये अरब की उन 3 देवियों में से एक हैं जिसका जिक्र अरब की प्राचीन किताबों में है
लाल, उज्जर और मनात। इन तीन देवियों की पहले अरब में पूजा होती थी। मनात को भाग्य की देवी माना जाता था। महमूद गजनवी के दरबारी कवि फारूकी सिस्तानी ने आगे लिखा है कि जब अरब में इस्लाम फैला तो अरब के कुछ कबीलों ने मनात की मूर्ति को बचाने के लिए उसे छुपा लिया और बाद में उसे समुद्र के रास्ते गुजरात के काठियावाड़ में लाए, जहां उसकी पूजा होने लगी। कई जगहों पर ये मान्यता थी कि मनात की पूजा काठियावाड़ में काले पत्थर के रूप में हो रही है। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को ही ये मनात का काला पत्थर मान लिया गया। महमूद गजनवी चाहता था कि इस्लामिक दुनिया के इतिहास में उसका नाम अमर हो जाए और उसे सोमनाथ के विध्वंसकर्ता के रूप में जाना जाए। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये बात और पुख्ता हो जाती है। इतिहासकार और कई प्रसिद्ध किताबों की लेखिका रोमिला थापर ने अपनी किताब सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ अ हिस्ट्री में लिखा, इस्लामिक विद्वान शेख फरीद अल दीन अतर ने जिक्र किया है कि सोमनाथ मंदिर में ब्राह्मणों ने महमूद गजनवी से प्रार्थना की थी। ब्राह्मणों ने महमूद गजनवी से कहा कि अगर वो सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को नहीं तोड़ेगा तो इसके बदले में उसे अकूत धन दौलत और हीरे जवाहरात दिए जाएंगे। लेकिन महमूद गजनवी ने उन ब्राह्मणों को जवाब दिया कि मैं मूर्तियों का विक्रेता नहीं, मैं मूर्तियों को तोड़ने वाला यानी मूर्ति भंजक बुत शकन हूँ। सोमनाथ मंदिर का विध्वंस करने के बाद जब महमूद गजनवी अपनी राजधानी गजनी लौट रहा था, तब मुल्तान के पास जाटों ने महमूद गजनवी की सेना पर हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। जाटों ने गजनवी की सेना के खजाने में मौजूद सोना भी छीन लिया था। ये जगह मुल्तान आज पाकिस्तान में है। सोमनाथ पर हमले के 5 साल बाद 58 साल की उम्र में महमूद गजनवी की मौत हो गई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महमूद गजनवी के बारे में जानने के लिए अफगानिस्तान के गजनी का दौरा किया था। सोमनाथ मंदिर पर यह उनके प्रसिद्ध भाषण का एक अंश है। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5-स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता था, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी। आज भी अफगानिस्तान के गजनी में धूल उड़ती है। महमूद गजनवी कभी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि सोमनाथ मंदिर में महादेव की आरती आज भी उतरती है। हे सोमेश्वर देव भोलिया करू तुम्हारी सेव, जटा माव से मात गंगे पतित ने पावन करती। सोमनाथ में हर रोज ज्योतिर्लिंग की आरती होती है और उसी प्राचीन भव्यता के साथ होती है। आरती रोज उतरती, आरती रोज उतरती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।